हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AEC प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका सिंह, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी जेईई स्टूडेंट्स के लिए हमने एक शंखनाद सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम जितने भी सब्जेक्ट्स आने वाले हैं आपके एग्जाम में, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए करवा रहे हैं। सो आज है क्लास नंबर 3, जिसमें मैं साइंस के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगी। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से हमने लिए हैं। सो साइंस में बेसिकली आज मैं कौन कौन से क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने पहले ही दिन क्लियर किया था कि हम केवल इंडिविजुअल एक पार्ट को नहीं देखेंगे, क्योंकि साइंस खुद में एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस में खुद में 3 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। तो हम उन तीनों ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय खराब करे हम अपना सेशन शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बायो के, है ना। और आपको मैं बता दूं कि किन किन सब्जेक्ट्स की क्लासेस चल रही हैं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन इन सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, और इसके अलावा टेक्निकल में भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उनकी भी क्लासेस चल रही हैं। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है, जल्दी से जाइए, सारी क्लासेस अटेंड करिए, और कॉमेंट सेक्शन में भी बताइए कि क्लासेस आपको कैसी लगी। चलिए, है ना, अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सभी से डिस्कस करना चाहती हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा ना लगे कि हम केवल यहाँ पर क्वेश्चन रीड करके आंसर देंगे, हम यहाँ पर कुछ अलग कर रहे हैं, हम एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें देख रहे हैं ताकि हम आपको बता सके। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन देखा, आंसर बताया, आगे बढ़ गए, वो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, एंड अगेन मैं आपसे बता रही हूँ, वो 20 में लगभग 40 से ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब 20 में हम 40 से ज्यादा क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको क्लास के एंड तक इजीली समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड व्हाट इज द वैल्यू, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर पीएच के बारे में बात चल रही है। पीएच मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हम जब बायो पढ़ते हैं तो कई सारी चीज ऐसी है जिसकी पीएच हमें पता होनी चाहिए, है ना। अब बात यह आती है कि हमारे मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है, तो ये बिल्कुल फिक्स्ड होता है, ये बिल्कुल फिक्स्ड होता है, ना ये कम होगा ना ये ज्यादा होता है। और वो कितना होता है, तो 7.4 होता है, ह्यूमन ब्लड का पीएच 7.4 होता है। अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस करती हूँ मानव रक्त के बारे में ही। वैसे मैंने क्लास में हर एक चीज को बताया है, लेकिन मैं क्वेश्चन में ही कुछ कुछ चीजें आपको इम्पोर्टेंट और बताती हूँ, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहली चीज तो मानव रक्त की अगर मैं बात करूँ, तो ये पूरे शरीर का कितना परसेंट होता है। अगर मैं किसकी बात करूँ, ह्यूमन ब्लड की बात करूँ, तो ये पूरे शरीर का कितना परसेंट होता है, इसे हम देखते हैं। तो ये पूरे शरीर का 7% होता है। पूरे शरीर का 7% भाग क्या होता है, ब्लड होता है, रक्त होता है। और जानते हैं कि लीटर में ये कितना होता है, तो लीटर में 5 to 6 लीटर होता है। लेकिन मैम हमें तो ये जानना है कि सब में होता है क्या। ध्यान से सुनिएगा, एक एडल्ट की ही अगर मैं बात करूं, तो एडल्ट में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है, बट मेल में थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपैरिजन टू फीमेल, क्योंकि फीमेल में पीरियड्स प्रॉब्लम होती है, तो फीमेल में कैसा होता है, थोड़ा सा कम होता है। तो 5 to 6 लीटर तो है ही, है ना। उसमें भी मेल में कैसा होता है, लगभग हम मान के चलते हैं 5.5 लीटर, है ना। और फीमेल की अगर मैं बात करूं, तो फीमेल में ये कितना होता है, फीमेल में होता है 5 लीटर। ओके, तो कुछ ये भी इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए। एंड सबसे सबसे लास्ट में एक पॉइंट में और डिस्कस करना चाहती हूँ। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो ब्लड है ये किस तरीके का टिश्यू है, ये ब्लड किस तरीके का टिश्यू यानी कि ऊतक है। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आया, तो बिल्कुल आप बताइएगा कि ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। कौन से टिश्यू है भाई, तो ये है एक कनेक्टिव टिश्यू, हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक। हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक। ओके, चलिए, तो ये चीजें मैंने कुछ आपको बताई हैं ह्यूमन ब्लड के बारे में ही, जो हमें
नॉर्मली पता होना चाहिए, केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए। चलिए अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये पीएच जरूर ध्यान रखिएगा, इन वेरी इंपॉर्टेंट। ये अम्लीय होता है, ये क्षारीय होता है, तो ये भी ध्यान रखना कि ये कैसा होता है, अम्लीय होता है, सॉरी ये कैसा होता है, तो ये क्षारीय होता है ना, इस चीज का भी ध्यान रखना। चलिए एक चीज और, जब भी आप क्वेश्चंस करो तो जहां पे आपको इंपॉर्टेंट लगे चीजें नोट डाउन भी कर लिया करें, और रिक्वेस्ट है कि प्लीज पीडीएफ इसे डाउनलोड करके ही पढ़ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है ना, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। हेमेटोलॉजी, एंथोलॉजी, साइटोलॉजी या न्यूरोलॉजी, तो ध्यान से सुनिएगा, ब्लड की स्टडी, द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त के ही बारे में ध्यान से सुनेंगे, ह्यूमन ब्लड, रुधिर, खून, लहू की अगर मैं बात करूं तो ब्लड का जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, रक्त का जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्लियर ये चीज। हीमोग्लोबिन क्या है, तो ये पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसे हम कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, तो ध्यान रखना कि ये एक वर्णक होता है, ये एक पिगमेंट होता है। बेसिकली क्या करता है, हमारे ब्लड को रेड कलर देने का काम करता है। बट मैम हमें ये जानना है कि ये जो ब्लड का रेड कलर है ये देखते किस में है, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में या फिर प्लाज्मा में, तो ये देखा जाता है आरबीसी में। किस में देखा जाता है, आरबीसी। सो द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी, और ब्लड का रेड कलर किसके कारण होता है, हेमोग्लोबिन के कारण, और ये क्या है, तो ये एक वर्णक होता है जो हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। लेकिन किस तरीके के ब्लड को, यानी कि किस ब्लड के टाइप को, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो हम क्या बोलेंगे, आरबीसी। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम आते हैं। रक्त में कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं। ब्लड कंटेन्स सेल्स दैट हेल्प फाइट जर्म्स, दे आर, तो वो कौन सी होती हैं, क्या वो प्लाज्मा है, लाल रुधिर कोशिकाएं हैं, सफेद रुधिर कोशिकाएं हैं, या फिर प्लेटलेट्स हैं। तो बेसिकली वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी ब्लड में कोशिकाएं हैं जो रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं। मतलब अगर हमारे बॉडी में कोई रोग आने की कोशिश करे, रोग किस फॉर्म में आएगा, किसी वायरस के फॉर्म में, बैक्टीरिया के फॉर्म में, प्रोटोजोआ के फॉर्म में, फंगी के फॉर्म में, किसी भी रूप में आने की कोशिश करे, तो उससे लड़ने में हमारे शरीर में कुछ होना चाहिए ना, पावर होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, इम्यून सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो उस चीज में हेल्प करता है, एंड द करेक्ट आंसर इज WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रुधिर कोशिकाएं, या व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स भी इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स भी हम इसे कहते हैं। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, देखो ब्लड में इस तरीके से ये होती है व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स, है ना, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स ये इस तरीके की होती है। कुछ इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज की WBC के बारे में अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन तो यही है कि मैम WBC को केवल WBC ही कहते हैं क्या? नो, इसे हम केवल और केवल WBC नहीं कहते हैं। WBC के और भी कुछ नाम है, जैसे हम RBC को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, इसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। मैम इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। कहाँ होता है इसका फॉर्मेशन, तो हम क्या बोलेंगे, इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो। अब ये बोन मैरो कहाँ है, तो हमारी बोन्स में होता है, और बोन मैरो को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। अगेन चलिए नेक्स्ट आते हैं। मैम एक बात और जाननी है कि ये जो WBC है ना, ये नंबर्स में कितनी होती है, तो ध्यान से सुनेंगे कि ये 4 से 10 हजार इसकी संख्या होती है, है ना, 4 से 10 हजार इसकी संख्या होती है। पेन ही गिर गया पढ़ाते पढ़ाते।
नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि मैम हमें तो ये भी जानना है कि इसका जीवन काल लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसका जीवन काल होता है 10 से 13 दिन। 10 से 13 दिन इसका जीवन काल होता है। कुछ ही पॉइंट्स ध्यान रखिएगा कि WBC को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और इसका फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है। 4 से 10 हजार संख्या होती है और 10 से 13 दिन इसका क्या होता है जीवन काल। काम क्या होता है, तो ये रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख लेना कि ये हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम बढ़ाती है। इम्यून सिस्टम यानी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे बढ़ाने का काम कौन करती है, WBC। क्लियर, चलिए आगे आते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसका करेक्ट आंसर क्या था, तो उसका आंसर था थर्ड व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, जो कि है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। बेसिकली ये जो प्लाज्मा है, कई सारे लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैम ये प्लाज्मा ब्लड में किस हिस्से में होगा, या प्लाज्मा ज्यादा होगा RBC WBC प्लेटलेट्स। हमें तो लगता है सब एक ही है, बिल्कुल भी नहीं है। सब अलग अलग है और सबका अपना अलग अलग काम है। जैसे हम शरीर की बात करें तो हम शरीर बोलते हैं, लेकिन अगर हम शरीर के अंदर जाएंगे, मैं तो कह रही हूँ अंदर ही मत जाओ, बाहर भी रहोगे तो फिर बहुत सारी चीजें हैं, है ना। बाहर भी रहोगे तो बाहर से कितनी सारी चीजें दिख रही हैं। तो आप ये एक इंडिविजुअल एक चीज नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में भी बहुत सारे ऑर्गेन होते हैं और ये बहुत सारे ऑर्गेन अलग अलग इंडिविजुअली अलग अलग काम करते हैं। ये इंडिविजुअली भी बहुत सारे काम करते हैं, हाँ या ना। और सबका काम इम्पॉर्टेंट है, किसी एक का भी काम नहीं रुकना चाहिए। वैसे ही हमारे ब्लड में हर एक का एक अलग रोल होता है, जैसे हम समझते हैं, है ना। हमारे ब्लड में हर एक का एक अलग रोल होता है, और वो रोल क्या है तो सुनेंगे। ध्यान से सुनो, होता क्या है ना कि अगर हम हमारे बॉडी में किसकी बात करें, रक्त की, सॉरी, हाँ रक्त ही तो पढ़ रहे हैं, रक्त की ही बात करें, तो ये जो ब्लड होता है, ये जो रक्त होता है, बेसिकली ना ये दो इंपॉर्टेंट चीजों से मिलकर बना होता है। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजों से मिलकर बना होता है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजों से मिलकर बना होता है। और वो दो इम्पोर्टेंट चीजें कौन कौन सी होती हैं, तो एक होता है भाई प्लाज्मा और एक होती है ब्लड सेल्स, जिन्हें हम ब्लड कॉर्प्यूसेल्स भी कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो प्लाज्मा है ब्लड में, इसका परसेंट 55% होता है, और जो ये ब्लड सेल्स हैं ब्लड में, इसका परसेंट 45% होता है। दोनों में से किसका परसेंट ज्यादा हुआ, 55%। दोनों में से किसका परसेंट ज्यादा हुआ, 55%, यानी कि प्लाज्मा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 55 to 60%, बिल्कुल करेक्ट है ना। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो उसमें सीधे 55% है, बट यस, हम 55 to 60% ले सकते हैं, इवन 65 तक भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों में ही किसका परसेंट ज्यादा होता है, तो वो होता है प्लाज्मा का। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ये जो ब्लड सेल्स हैं ये तीन होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। डन, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है, 55 to 60%। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ, व्हाट इज यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्रुप। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है,
बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन यहाँ पुट करने के पीछे रीजन है कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं, कि मैं यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। सबसे पहले तो हम कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ, उसके बेस पे आपको एक नहीं आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकेंगे। जब ब्लड ग्रुप के बारे में पता चला था, सो हमें ये नहीं पता था कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव जैसा भी कुछ होता है, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ही होता है, बस इतना पता था। धीरे धीरे करके रिसर्च हुई थी ना, एकदम से थोड़ी ना हुई थी। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि सर्वग्राही एक होता है यूनिवर्सल डोनर और एक होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। सबका आंसर अभी आप खुद ही देंगे, मैं अभी आंसर नहीं बता रही हूँ, केवल मैं कुछ केसेस बता रही हूँ। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ब्लड ग्रुप ए, ये भी ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप बी ये भी ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ ये भी ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए बी और ये भी ब्लड ग्रुप ए बी, है ना, ब्लड ग्रुप ए बी और ये भी ब्लड ग्रुप ए बी। मैम आप करने क्या जा रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दे रही हूँ कि जो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो ए को ब्लड देगा और ए से ही ब्लड लेगा, ए बी वाला ए बी को ब्लड देगा ए बी से ब्लड लेगा, बी वाला बी को ब्लड देगा बी से ब्लड लेगा, ओ वाला ओ को ब्लड देगा और ओ से ब्लड लेगा, है ना। हाँ मतलब अगर पॉजिटिव केसेस की मैं बात करूँ तो सेम ब्लड ग्रुप वाले सेम ब्लड ग्रुप को ब्लड दे भी सकते हैं और उससे ब्लड ले भी सकते हैं, ब्लड दे भी सकते हैं उससे ब्लड ले भी सकते हैं। जैसे ए वाला किसे ब्लड दे सकता है? ए बी को, है ना, मतलब ये तो डिफरेंट हो गया, तो ध्यान रखना ए वाला ए बी को देगा, बी वाला भी ए बी को देगा, ओ वाला ए को भी देगा ए बी को भी देगा और ये बी को भी देगा। गलती से कोई पलट के अगर नहीं बताया कि ए बी वाला बी को देगा तो वो नहीं दे सकता है, जो जो दे सकता है वो मैंने आपको बताया। अब कुछ पॉइंट यहाँ क्लियर हमें समझ में आ रहे हैं कि एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड दे रहा है ना, यहाँ पे भी ब्लड दे रहा है, यहाँ पर भी दे रहा है और यहाँ पर भी दे रहा है, ये सबको ब्लड दे रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल डोनर। क्या कहेंगे इसको? हम सर्वदाता। और ये क्या होगा? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये क्या होगा? यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि सर्वग्राही। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी। ए बी क्यों हुआ? आंसर आपके सामने, इस चीज का ध्यान रखना, इससे मिलता जुलता अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो फिर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सर्वग्राही बोला है, दैट मींस रिसेप्टर की बात चल रही है कि कितने लोग कौन सा ब्लड रिसीव कर सकते हैं, मतलब कौन से ब्लड ग्रुप वाले। सो आंसर क्या होगा? ए बी। अगर डोनर बोलते तो आंसर ओ होता है, इसमें आंसर गलत लिखा है, कोई बात नहीं है, आंसर क्या होगा? ए बी। आंसर होगा ए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर इज, रक्त दाब को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबको पता होगा, स्फिग्मोमैनोमीटर, है ना, किसका यूज किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर की ही अगर मैं बात करूं, कहां गया, हाँ ब्लड प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो ये दो तरीके से होता है। पहली चीज तो ये मिनिमम वाली अगर केसेस की मैं बात करूं, बीपी को लेकर, बीपी कितना होना चाहिए तो ये 120 टू 80 ऐसे ही लिखते हैं इसको, एमएम ऑफ एचजी, एमएम ऑफ एचजी ये क्या होना चाहिए, ये ब्लड ग्रुप होना, ब्लड ग्रुप कह रही है, ये बीपी हमारा होना चाहिए। 80 के नीचे लो बीपी, 120 के ऊपर हाई बीपी होता है। लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे, स्फिग्मोमैनोमीटर से इसे क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। रेसिपाइन का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? गठिए को दूर कर, गठिए को ठीक करने में, अधिक रक्तचाप को कम करने के लिए, या फिर इसके अलावा दर्द के निवारण में, रक्तचाप को बढ़ाने में जब आवश्यकता हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, जो कि है अधिक रक्तचाप को यानी हाई ब्लड प्रेशर को लो करने में इसका यूज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लाल रुधिर कोशिकाओं में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जो कहलाता है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसमें जो लाल रंग का वर्णक होता है, अब भी जस्ट मैंने आपको बताया था और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और वो क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन होता है, जो हमारे ब्लड को रेड कलर देने का काम करता है, जो हमारे ब्लड को रेड कलर देने का काम करता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो भाई वो विटामिन के है। अब आप कहेंगे कि मैम रक्त का थक्का जम क्यों रहा है? बिल्कुल, उसका रक्त का थक्का जमना बहुत जरूरी है,
कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। अगर मैं बात करूँ केवल और केवल ब्लड क्लॉटिंग की, तो कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पर उठते हैं। जैसे जैसे एक क्वेश्चन ये उठता है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन सी चीजें हेल्प करती हैं, सो आपका पहला आंसर क्या होगा, विटामिन के, है ना। और कौन कौन सी चीजें हेल्प करती हैं, तो प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं, हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, बिम्बाणु। एक थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है जो कहाँ होता है, हमारे ब्लड में होता है, तो ये थ्रोम्बिन प्रोटीन भी हेल्प करता है रक्त का थक्का जमाने में। और एक फाइब्रिनोजेन प्रोटीन भी होता है जो क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। सो ये कुछ प्रोटीन के नेम मैंने आपको बताए जो बेसिकली किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाने में। सो ऑप्शन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 10, आयरन के अभाव से क्या होता है। तो दो तरीके की बीमारियां दिख रही हैं, एक तो वीक इम्यूनिटी और एनीमिया, बोथ ए एंड बी, या फिर बोथ ए एंड बी आर नॉट, यानी ए और बी दोनों ही नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। यस बिल्कुल सही। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आयरन की कमी होती है तो उसे क्या होगी, तो उसका इम्यून सिस्टम कैसा हो जाएगा, वीक, और इसके साथ साथ उसे क्या हो जाएगी, रक्ताल्पता या फिर रक्त छिड़ता, या मैं कहूँ एनीमिया नाम की बीमारी हो जाएगी जो कि ब्लड की ब्लड में आयरन की कमी से होती है। एक और क्वेश्चन कि आयरन की कमी से ही एनीमिया नहीं होता है ना, केवल आयरन की कमी से ही एनीमिया नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में किसकी कमी हो जाए, आरबीसी की, तो आरबीसी की कमी से भी क्या होता है, एनीमिया होता है। आरबीसी की कमी से भी एनीमिया होता है, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आरबीसी की कमी से भी एनीमिया होता है। इसी के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि आरबीसी के फॉर्मेशन में ना आयरन हेल्प करता है, इसलिए आयरन का होना बहुत जरूरी है, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ये दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जितने भी क्वेश्चंस आपके किसके थे, बायो के थे, अब ओवर हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तीन रंग मूल रंग हैं और ये कौन से हैं, द थ्री कलर्स आर द प्राइमरी कलर्स, दीज आर, कौन कौन से होंगे भाई। तो चार तरीके के ऑप्शन है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो वो होगा नीला, हरा और लाल। ये तीन प्राइमरी कलर होते हैं, उन्हीं के बारे में पूछा गया है। लास्ट सेशन में भी आई थिंक इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए थे। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन इज सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर में होगा वो आपको बताना है, कि अगर किसी व्यक्ति को न्यूनतम दूरी की अगर हम बात करें तो वो कितने सेंटीमीटर की होती है, 25, 5, 75 या फिर 100। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 25, 25 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी होनी ही चाहिए, है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पीतल किसका मिश्रण होता है, जस्ता एवं लोहा, सीसा एवं तांबा, लोहा और सीसा, तांबा और जस्ता। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। जो ब्रास होता है यानी जो पीतल होता है, वो दो चीज का मिक्सर होता, मिक्स मिक्सर कह रही हूँ, मिक्सचर होता है, और वो है कॉपर एंड जिंक। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी होगा, मिक्सचर। ये जो बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, तो मेटल नॉन मेटल से पूछा गया है, और उसमें भी मेटल वाले सेक्शन से ये क्वेश्चन है। आपको हर एक मेटल के बारे में पढ़ना होगा केमिस्ट्री में, मैंने अभी वो सेक्शन नहीं पढ़ा है, बट यस बहुत जल्दी वो सेशन भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, जिसमें हम सबके बारे में सारी मेटल्स नॉन मेटल्स को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी गैस कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ब्यूटेन या फिर मीथेन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉजेस एक्सप्लोजन इन कोल माइंस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मीथेन। करेक्ट आंसर क्या होगा, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि जो प्रोटॉन होते हैं उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका नेगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वे कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आंसर नहीं है, बट मैं बता देती हूँ कि आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 17, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है, तो लाल, नीला, पीला होता है, लाल, पीला, हरा होगा, लाल, नीला, हरा या नीला, पीला, हरा। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है, लाल, नीला और पीला फोटोग्राफी में यूज किया जाता है कलर। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं, क्या ये गुरुत्वीय और स्थित वैद्युत हो,
या फिर कुछ अन्य बल है, गुरुत्वीय और नाभिकीय है, स्थिर वैद्युत और नाभिकीय है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेविटेशनल एंड न्यूक्लियर। ग्रेविटेशनल एंड न्यूक्लियर, ग्रेविटेशनल की अगर मैं बात करूं, सो ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें इसी से रिलेटेड, तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो बेसिकली हमें बताता है कि एक ऑब्जेक्ट ही दूसरे ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट ही दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करता है ना। एक ऑब्जेक्ट ही दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित। बट इनके बीच में मतलब क्या, दो मास है ना, तो उनका जो दो ऑब्जेक्ट है तो उसका मास इक्वल नहीं होगा, एक का दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, तभी वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगी तो हम कैपिटल जी स्मॉल जी हर एक चीज के बारे में जानेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वेव्स रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन आर, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे क्या होंगी। मतलब डिस्टेंस कैसी है, बहुत ज्यादा है तो हमें वायरलेस का यूज करना है, तार ऐसा होना चाहिए जो कैसा हो, वायरलेस हो, है ना। तो लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए कम्युनिकेशन कैसा हो, मैंने उल्टा बोल दिया, जो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, वायरलेस होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस कैसी है, बहुत ज्यादा, तो किसका यूज किया जाएगा। तो अवरक्त किरणें आएंगी क्या, परामैग्नी किरणें आएंगी, रेडियो किरणें आएंगी, सूक्ष्म किरणें आएंगी, तरंगे आएंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। गैसीय अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ के उसके तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कोई ऑब्जेक्ट किस में है, पहले गैस में है ना, और वो गैस से किस में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड में, यही बोला जा रहा है ना, कि कुछ और बोला जा रहा। गैसीय अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ को उसके तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन, यस बिल्कुल यही कहा जा रहा है, और इसे हम क्या कहेंगे, तो ये कहलाता है कंडेंसेशन। क्या कहलाता है भाई, तो ये कहलाता है कंडेंसेशन, है ना, संघनन जिसे हम कहते हैं, है ना। जब भी कोई चीज गैस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में, तो वही क्या कहलाता है, तो कंडेंसेशन कहलाता है। हमने एक एक कंटेनर लिया है ना, उसमें उसको हमने थोड़ा सा पानी भरा और उसको हमने बंद कर दिया, अब उसमें क्या होगी, गैस बनने लगेगी, और जो गैस में जो वाष्प होगी वो जाकर ऊपर चिपक जाएगी उस प्लेट पे, किसी भी चीज पर जिससे आपने ढका होगा, है ना, और वो धीरे धीरे, अब वो वाष्प बन गई, जाकर वो छोटे छोटे ऐसे बना के बताते, रुको, हमने ये लिया और नीचे क्या चल रही है, गैस, ये हमने किसी चीज से ढक दिया और नीचे क्या है भाई, गैस है, बने जा। हमने लिया एक कंटेनर और हमने उसको क्या किया, किसी चीज से ढक दिया, और उसमें क्या था, बहुत सारा नहीं, थोड़ा सा पानी, जलाना थोड़ी ना उसको, और हमने क्या देखा कि उसमें क्या है भाई, आग निकल रही है, मतलब इसमें क्या है, आग जल रही है। फिर हमने ये जाना कि जो पानी की बूंदे थी, है ना, जो पानी की बूंदे थी वो यहाँ पर जाकर जमने लगी, और वो किस में कन्वर्ट हो गई, जो गैस थी, जो भाप थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, कंडेंसेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, कंडेंसेशन। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, और इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था सी। नेक्स्ट कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ, अगर आप स्टेट एसएससी जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ टेस्ट भी मिलेंगे विद टेस्ट सीरीज 300, जिसमें 300 से ज्यादा टेस्ट लगभग मिलने वाले हैं। आप इसके अलावा एसएससी जेई स्टूडेंट्स, ये मैकेनिकल वालों के लिए था और ये सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए था, तो मैकेनिकल वालों के लिए भी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें 250 प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे। और आज की क्लास में मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है सबकी पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगी, और इसके पहले भी जितना भी पढ़ा चुकी हूँ उसकी भी पीडीएफ यहाँ मिलेगी। हमें जाना है, इसे सर्च करना है और पीडीएफ को डाउनलोड करना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सेशन कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।